वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या डिफरेंस होता है, या फिर जो 220 वोल्ट होता है वो कैसे आता है हमारा, जो 440 वोल्ट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले 200 डिफरेंस जानने पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो वोल्टेज होता है इसकी डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों? तो जो वोल्टेज हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो मदद करता है, या फिर हमारे करंट को जो फ्लो करने में मदद करता है वो हमारा वोल्टेज होता है। या फिर एक तरह से यूँ कहें कि जो हमारे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उनको एक डायरेक्शन में बहने के लिए पुश करता है, वो क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है दोस्तों। अब वोल्टेज हमारा दो तरह का होता है, एक एसी वोल्टेज, दूसरा डीसी वोल्टेज। तो जो एसी वोल्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एसी वोल्टेज जो होता है वो होता है, इसमें क्या होता है, एक फेज वोल्टेज होता है दोस्तों और एक होता है लाइन वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या था, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो फेज वोल्टेज होता है दोस्तों होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है, अगर हम इस न्यूट्रल और फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इन दोनों के बीच में दो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, फेज वोल्टेज। मान लीजिए हमारा ए और बी दोनों फेज है, हम फेज के बीच में, अगर दोनों फेज या फिर दोनों हॉट वायर है, फिर लाइव वायर जिसे हम कहते हैं, इन दोनों हॉट वायर या लाइव वायर के बीच में अगर हम वोल्टेज निकालते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है दोस्तों, वो लाइन वोल्टेज होती है दोस्तों। दोस्तों हमारा जो फेज वोल्टेज होती है दोस्तों, वो न्यूट्रल और फेज के साथ होती है, ये हमेशा क्या होती है, 192 से या फिर 222 से 250 तक होती है दोस्तों, या 240 तक आती है। जबकि जो लाइन वोल्टेज होती है 370 से लेकर के वो 440 तक, हमारे लाइन वोल्टेज 440 तक आती है दोस्तों। दोस्तों हम इनको निकालते हैं कैसे, मान लीजिए हमारा एक, हमने फेज वोल्टेज निकाल लिया, हमने एक न्यूट्रल और फेज के बीच में वोल्टेज मेजर किया, वो कितना आया हमारा, 220 आया। तो हमें मालूम करना है कि लाइन वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। दोस्तों √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। हम 220 को दोस्तों √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नियर अबाउट आ जाएगा 380। जो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, नियर अबाउट 380 आएगी, वो 380 या 38.3, कुछ कुछ ऐसी वैल्यू आएगी इसकी। और दोस्तों जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम मेजर किस में करते हैं, या फिर इसको हम मापते किस में हैं? तो दोस्तों इसको हम मापते हैं वोल्ट वोल्ट में, और इसकी यूनिट कहते हैं दोस्तों, इसकी यूनिट होती है जूल प्रति कूलाम। इसको हम जो है इसको मापते किस इक्विपमेंट से हैं, तो वो है हमारा वोल्ट मीटर होता है, या फिर पोटेंशियोमीटर, और एक होता है ऑसिलोस्कोप। हम इन तीन चीज़ों से हम वोल्टेज को माप सकते हैं, या फिर वोल्टेज की वैल्यू पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, और जो हमारा 440 वोल्ट होता है और 220 वोल्ट होता है, इसके बारे में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।